अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं बनाने जा रहा हूँ वो चीज़ जो तकरीबन हर घर में मौजूद है और आए दिन इसके काफ़ी मसाइल देखने को मिलते हैं। दोस्तों, ये डीसी एयर कूलर वाटर पंप है जो पानी की फराहमी को यकीनी बनाता है। आए दिन ये ख़राब हो जाते हैं, इसीलिए ये मेरे पास मौजूद एक ख़राब पंप है और इसे आज मैं बनाने जा रहा हूँ इसलिए क्योंकि आए दिन रोज़ मुझे भी ये पंप खरीदने पड़ते थे और अब तक मैं 3 पंप खरीद चुका हूँ जो मुझ समेत तमाम लोगों के लिए मसाइल बने हुए हैं। इसीलिए मेरा आज वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप भी घर बैठे मेरी तरह ये पंप बनाएं और इस मुश्किल से छुटकारा हासिल कर सकें। दोस्तों, आप इस वीडियो में देख ही रहे होंगे कि मैंने इसके चारों पेज खोल लिए हैं और अब मैं इसके फैन को निकाल रहा हूं जो पानी को आगे भेजने के लिए काम आता है। आप इसे पूरा निकाल लें और इस फैन से ना खींचें क्योंकि ये फैन टूट भी सकता है। ये बिल्कुल नाजुक सी चीज़ है, इसलिए इसका ख्याल करें ताकि ये टूटे ना। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर बहुत से धागे लगे हुए हैं और यकीनन अगर आप खोलेंगे तो आपको ऐसे ही मिलेंगे, तो इनको साफ कर लें। दोस्तों, काफ़ी अरसा बंद रहने की वजह से इस पर कार्बन जम गई है और आप इसे किसी भी ब्रश के साथ साफ कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से साफ कर लें क्योंकि आप इसे जितना भी अच्छी तरह से साफ करेंगे ये उतनी ही अच्छी परफॉर्मेंस देगा, और इसे जितना भी हो सके हर तरफ से साफ कर लें। दोस्तों, आपको इस तरह के धागे भी देखने को मिलेंगे, इसे आप बिल्कुल अच्छी तरह से उतार लें ताकि ये बाद में मसाइल ना खड़ा करें। दोस्तों, इस पंप के बंद होने की वजह से इस पर एक पानी की तह जमा हो गई है। इसे आप रेग माल के ज़रिए भी उतार सकते हैं और मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। और आप भी इसे फिर से ब्रश के साथ साफ कर लें क्योंकि इस पर मौजूद छोटे से ज़र्रात इसको बाद में अंदर घूमने में तंग करेंगे। दोस्तों, अब आती है इस पंप की बारी। आप अच्छी तरह से इसको भी साफ कर लें क्योंकि इसके अंदर भी नमकियात की वजह से पानी की तह जमा हो गई है। आप इसे भी अच्छी तरह से साफ कर लें। दोस्तों, इसके अंदर मौजूद इन ज़र्रात को अच्छी तरह से साफ़ कर लें क्योंकि बाद में यही ज़र्रात ही इसे चलने में रुकावट पैदा करेंगे। दोस्तों, आपके घर में कोई भी मशीन पर इस्तेमाल करने वाला तेल तो होगा ही, तो आप उसे लगा सकते हैं क्योंकि मेरे पास यही मौजूद था, इसीलिए मैंने इसे ही लगाया। वरना आप अगर ग्रीस का इस्तेमाल करें तो वो इसके लिए बेहतर रहेगा। अब इसे अच्छी तरह से घुमाते रहें और इसको बार बार घुमाएं ताकि ये अच्छी तरह से हल हो सके। दोस्तों, आप इसे बार बार चेक करते रहें और आप इसे चेक करते हैं, देखें ये हल्का सा मूव कर रहा है। आप इसे फिर अच्छी तरह से साफ कर लेते हैं और आप किसी भी कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अभी भी रुकावट पैदा हो रही है, इसीलिए आप इसे बार बार वैसे ही घुमाते रहें।
दोस्तों इससे पहले मैं और पंप बना चुका हूँ, वो न्यू थे इसलिए बहुत जल्दी बन गए। ये मैंने पुराना इसलिए उठाया है ताकि आपके घर मौजूद जो भी पुराना पंप हो आप उसे अच्छी तरह से बना पाएं। तो इस पर इसीलिए मेहनत हो रही है क्योंकि ये काफ़ी दिनों से बंद है, तो इसे अच्छी तरह से चला लें ताकि ये ठीक हो जाए। इसे फिर से दोबारा चेक कर लेते हैं, देखते हैं कि ये चलता है कि नहीं। देखें दोस्तों इसमें दोबारा वैसे ही हल्की सी मूवमेंट है और अब इसे फिर बार बार इसे घुमाना पड़ेगा। और अब इसे फिर एक दफा मोबाइल ऑयल लगा रहे हैं। दोस्तों अब ये कुछ बेहतर काम कर रहा है, लेकिन इसे मज़ीद अच्छा करने के लिए हमें मज़ीद इसमें दोबारा बार बार इसे चेक करना होगा। देखें दोस्तों अब ये पहले से काफ़ी बेहतर है। दोस्तों इस चीज़ को मैं स्किप भी कर सकता था, लेकिन मेरा इसे आपको दिखाने का मकसद ये है कि आप कहीं हौसला ना हार जाएं। दोस्तों इसमें अब भी हल्की सी रुकावट है जिसकी वजह से ये रुक रहा है। आए अब इसे फिर एक दफ़ा रेगमाल मारते हैं ताकि ये अच्छी तरह से साफ हो जाए। दोस्तों फिर हर बार की तरह आप इसे बिल्कुल अच्छी तरह से साफ कर लें ताकि इस पर कोई भी बारीक ज़र्रात बाकी ना रहें। दोस्तों साफ करने के बाद आप इसे दोबारा ऑयल लगा लें और ये ज़रूरी है। दोस्तों फिर वही अमल दोहराएं और इसे बार बार घुमाते रहें। दोस्तों अब इसे दोबारा से चेक कर लेते हैं, देखते हैं कि ये चलता है कि नहीं। देखें दोस्तों अब ये आपके सामने है, ये बिल्कुल ठीक से चल रहा है। दोस्तों अब इसे बंद कर लें और बंद करने से पहले आप इसको भी अच्छी तरह से साफ कर लें। दोस्तों इसे पूरी तरह से बंद करने से पहले आप इसे चेक लाजमी कीजिएगा। अब ये बिल्कुल अच्छी तरह से काम कर रहा है और आप इसे बिल्कुल बंद कर लें ताकि बाद में इसमें कोई पानी ना घुसे और फिर यही मसला पैदा हो जाएगा। और बंद करने के बाद अब इसे फिर से देख लें।
दोस्तों अब ये पूरी तरह से ठीक है और अब इसे हम कूलर में लगा लेते हैं। लेकिन ठहरें, इसे कूलर में लगाने से पहले इसके साइड पर मौजूद टेप लाजमी लगा लें। दोस्तों आपको याद होगा, आप जब भी ये लेते थे तो इस पर दो ग्रिप्स लगी होती थी जो इसे पानी अंदर जाने से रोकती थी। अब वो मेरे पास नहीं है तो इसीलिए मेरे पास यही ही मौजूद है, तो मैं इसे लगा रहा हूँ। दोस्तों अब वक्त आ गया है कि मैं अब इसे कूलर में लगा दूं और लगाने के बाद देखते हैं कि ये सही से काम करता है कि नहीं। लेकिन इससे पहले मैं ये पुराने वाला पंप उतार रहा हूं, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैं इसे भी बना चुका हूं। और अब आपकी आंखों के सामने मैं इसे लगा रहा हूं। दोस्तों अब मैंने इसे लगा लिया है, अब देखते हैं कि ये कैसे चलता है। देखें दोस्तों, ये बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहा है और ये ऊपर पानी भी भेज रहा है। दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपके लिए जल्द ही एक नई वीडियो लाऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।